स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र, नौकरी पेशा लोग अगर अपने बचे हुए समय में सामाजिक सक्रिय भागीदारी भी निभाने लगें तो उज्जवल भविष्य की उम्मीद उभरने लगती है। लगता है कि आने वाली पीढ़ी दुनिया को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी निभाने लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की, जहाँ कुछ युवकों ने पढ़ाई के साथ साथ अपनी सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित की है, बल्कि गाँवों में उन बच्चों का भविष्य सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जिनके भविष्य की सही मायने में किसी को चिंता नहीं। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद के नायाब हीरो ने एक संस्था बनाई है, जिसमें अब छात्र छात्राओं के साथ नौकरी पेशा लोग और ग्रामीण भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। संस्था की शुरुआत स्थानीय युवक धीरज राजपूत ने की है। धीरज भी एससी के छात्र हैं। धीरज जिस परिवार से आते हैं उसे संपन्न नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो ये बखूबी समझते थे कि ग्रामीण परिवेश में पले बड़े बच्चे को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासकर पढ़ाई को लेकर। इसलिए उन्होंने ये मुहिम शुरू की। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का अपना ये विचार अपने मित्रों के साथ साझा किया, जिसमें कृष्ण गोपाल भी एक थे। वो बाबू सिंह डिग्री कॉलेज में पीटीआई हैं। चूंकि विचार बहुत अच्छा था, इसलिए बिना देर किए ही इसकी शुरुआत हो गई। आज ये संस्था कुटरा गांव में करीब 100 से 150 बच्चों को पढ़ा रही है। यहाँ बच्चों को शाम के समय में न केवल पढ़ाया जाता है, बल्कि खेल कूद के साथ ही उन्हें स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी जाती है। संस्था से जुड़े हर एक शख्स अपने पूरे दिन के काम निपटाकर शाम को बच्चों को पढ़ाते हैं। संस्था से रंजीत भी जुड़े हुए हैं। ये पेशे से एमआर हैं। यहाँ बच्चों को वे साफ और स्वस्थ रहने के क्या फायदे हैं उससे बताते हैं। उन्हें पढ़ाने के साथ बीमार होने पर दवाइयां भी उपलब्ध कराते हैं, वो भी मुफ्त में। संस्था से जुड़े बबलू स्वच्छ भारत मिशन में हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। अपना वक्त निकालकर वे यहाँ बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं। संस्था से जुड़ी लक्ष्मी राजपूत बीएड एमएससी हैं और अंजलि राजपूत एक स्टूडेंट हैं। संस्था के सकारात्मक कार्य व गांव के विकास से स्थानीय ग्रामीण भी बेहद खुश हैं। कई गाँव वालों पर तो इसका बेहद ही सकारात्मक असर है, या कहें कि चमत्कारिक असर पड़ा है। गांव के रहने वाले राजकुमार आदतन शराबी थे, लेकिन जब उन्होंने संस्था के छात्रों को देखा तो उनके सकारात्मक कार्य व लगन को देखा तो उन्होंने शराब छोड़ दी। और शराब में जितना पैसा महीने में खर्च कर देते थे उतना जोड़कर संस्था को देते हैं व उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ सर, तो मैं जब बचपन में देखा करता था कि मेरे पापा दर्जी का काम करते थे, सिलाई कर करके मुझे पढ़ाते थे। इतना पैसा नहीं हो पाता था हमारे पास कि हम फीस अपनी कोचिंग के अफोर्ड कर लें। तो जब मैं यहाँ से पढ़ने के लिए निकला, मैं पढ़ लिख के आज मैं सर बीएससी कर चुका हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गाँव में घूमते हैं जिनका नाम सरकारी स्कूलों में लिखा हुआ है सर, तो वो प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, और उनको पढ़ाने का हम कार्य करते हैं सर और उनकी भावनाओं को समझते हैं सर। तो हमारी जो टीम है, जो हमारे टीम के सभी कार्यकर्ता हैं सर, तो हमारा काम केवल बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है। हम जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन बच्चों को भी हम यहाँ पे आके पढ़ाते हैं और स्कूल जाने की प्रेरणा देते हैं, और उनको स्वच्छता के बारे में बताते हैं, और जो भी कार्य फुटपाथ पे जो पड़े हुए लोग हैं हम उनकी भी मदद करते हैं सर। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने देखा कि मतलब जिस तरह मैंने अपनी लाइफ जी है, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी लाइफ ये बच्चे भी जिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो मुझे सुविधाएं नहीं मिली, मैं वो इन बच्चों को देना चाहती हूँ। मुझे ट्यूशन व्यूशन नहीं मिली, तो मैं सोचती हूँ इन बच्चों को कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरे मोहल्ले या मेरे गांव के बच्चे कुछ आगे बढ़ें। अगर ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो इसमें मेरा भी नाम होगा कि किसी ने पढ़ाया है, किसी ने मुझे ये किया है। कौन सी संस्था है आपकी? ह्यूमन पावर सर। और प्लस आप खुद भी पढ़ रही हैं? मुझे प्रेरणा मिली, जैसे कि मेरे भाई लोग हैं यहाँ पे बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, और मैंने देखा है कि मेरे गांव के बच्चे हैं वो ना तो पढ़ने जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। देखा मतलब जिस तरह मैं चाहती हूँ मेरे गांव के बच्चे भी पढ़ के हमसे अच्छा कुछ काम करें, कुछ अच्छा जॉब करें, यहाँ से जाके हमारे देश का नाम रोशन करें या हमारे गाँव का। जैसे कि गाँव के बच्चे इतना हो जाता है कि वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैंने देखा, मैं ज़्यादातर यहाँ पे आती हूँ अपने कॉलेज से जो सीख के आती हूँ। यहाँ पे स्पेशली जो लड़कियाँ हैं उनको उनकी पर्सनल प्रॉब्लम डिसीज़ के बारे में बताती हूँ, जैसे कि वो अपने मतलब गांव की लड़कियाँ इतना नहीं जानती हैं अपने डिसीज़ के बारे में, जो उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं मैं उनके बारे में उन्हें मतलब बताती हूँ कि हाँ ऐसा करना है या ऐसे नहीं। और जो यहाँ पे बच्चे हैं मैं पढ़ती हूँ, तो कॉलेज से आने के बाद इन बच्चों को इसलिए पढ़ाती हूँ कि मतलब मैं जो पढ़ती हूँ तो इन बच्चों को भी आ सके। मेरे जो छोटे भाई लोग इन्होंने स्टार्ट की, गोपाल है, और ये अदर मेरी बहनें लोग हैं इन्होंने पहले स्टार्ट किया, तो हमने देखा ये लोग कुछ लूज पढ़ रहे हैं, काफ़ी किताबें फ्री में इन लोगों को
भाई ये लोग भी अपनी ओर से नहीं कर सकते थे, तो हम कुछ मान लो करते हैं तो उसी के चक्कर में हमने तो दारू छोड़ के जो पैसे दिए। हाँ, वो दारू छोड़ के हमने उसका आधा अपने बच्चों में और आधा इन संस्था के लोगों में बांटने का निर्णय लिया।